पढ़े हनुमान चालीसा, जो ये पढ़े हे जो ये पढ़े हनुमान हनुमान, जो यह पढ़े जो यह पढ़े जो यह। श्री तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान चालीसा की फलश्रुति में यह पावन पंक्ति प्रस्तुत करते हैं, जिसका आशय है कि जो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, भगवान शंकर की साक्षी करके कहता हूं, उसको अवश्य सिद्धि की प्राप्ति होगी। उसका प्रत्येक मनोरथ सिद्ध होगा। श्री हनुमान चालीसा के पूर्व भाग की चर्चा पिछले प्रवास के समय हुई थी। इस यात्रा में उस प्रसंग से आगे की चर्चा होगी। आप लोगों को स्मरण होगा, जिस पंक्ति पर विराम हुआ था वहीं से आरंभ। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जो श्री हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसे अवश्य सिद्धि की प्राप्ति होगी, भगवान शंकर की साक्षी है। मन का संशय करना स्वभाव है। मन ने कहा क्या सभी काम पूरे हो जाएंगे? हो सकता है कुछ हो जाते हो। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं, कोई ऐसा कार्य नहीं है जो श्री हनुमान चालीसा के पाठ से पूरा न हो, क्योंकि इसमें श्री हनुमान जी का स्वर्ष गाया गया है। और हनुमान जी की महिमा क्या है? जामवंत जी ने कहा, रामचरितमानस में उल्लेख है, कवन सो काज कठिन जग माई, कवन सो काज कठिन जग माई, कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाही, कठिन जग मा कौन सा ऐसा कठिन कार्य है जो श्री हनुमान जी आपसे नहीं हो सकता? ऐसा श्री जामवंत जी ने कहा। पर श्री तुलसीदास जी कहते कठिन ही नहीं, दुर्गम काज जगत के जीते, दुर्गम काज जगत सुगम अनुग्रह तुम्हारे जेते, जगत के जेते दुर्गम काज जगत, जग
जगत के जितने दुर्गम कार्य हैं। अब इस पंक्ति पर ध्यान देना, वह क्या श्री हनुमान जी पूरा करते? हनुमान जी को पूरा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। संसार के जितने दुर्गम कार्य हैं वे पूरे हो जाते हैं किसकी वजह से? हनुमान जी की वजह से ना। सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। हनुमान जी आपकी कृपा से ही पूरे हो जाते हैं। तो जो भगवान के भक्त जगत में रहते हैं और उनके जो दुर्गम कार्य हैं वे हनुमान जी की कृपा सुगम कर देती है। और हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी को ये कार्य नहीं करना पड़ता है। हनुमान जी को तो राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। हनुमान जी राम जी की सेवा में सतत रहते हैं और भगत के कार्य तो हनुमान जी की कृपा से ही होते रहते हैं। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। इस बार के इस आमंत्रण पत्र में शीर्षक दिया है संकट मोचन। श्री तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा, आहा, जाके गति है श्री हनुमान की, जाके गति है श्री हनुमान। ताकी पैज ताकी पैज पूजी आई यह रेखा पुलिस पसंद की, जाके गति है श्री हनुमान। जिसको हनुमान जी का भरोसा है उसका संकल्प अवश्य पूरा होगा। यह वज्रलेख है, यह रेखा कुलिस पसान की। फिर वही बात आती है कि कोई कार्य पूरा होना संभव ही ना हो जाएगा। अघटित घटन जो नहीं घटने वाला हो उसे घटा देते हैं हनुमान जी, और घटने वाला हो सुघट विघटन, ऐसा कोई और करता है दुनिया में ना। ऐसी बिरदावली नहीं आन की। और एक मैं निवेदन करूं आपसे, इतनी तो महिमा है, असंभव को संभव, संभव को असंभव कर दें, अघटित घटन सुघट विघटन, ऐसी महिमा हनुमान जी के अतिरिक्त और किसी की नहीं है, किसी की नहीं। अच्छा, जब इतनी महिमा है तो साधना भी तो बहुत बड़ी करनी होगी, आराधना भी तो बहुत बड़े रूप में करनी होगी, तब तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे। श्री तुलसीदास जी बोले, बड़ा सरल उपाय है, बहुत सरल। हनुमान जी एक ऐसे हैं कि जिनकी आराधना बड़ी सरल है। अनुष्ठान करने वालों की अपनी अनुभूति और धारणा है, वे हनुमत साधना को कठिन बताते होंगे, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी कितने में प्रसन्न हो जाते हैं, कितनी देर में? अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी बिरदावली नहीं आन की। और देर कितनी लगती है?
सुमिरत, केवल सुमिरत, संकट सोच विमोचन मूर्ति कृपा निधान, मूर्ति कृपा निधान, जाके गति है श्री हनुमान। केवल सुमिरत स्मरण करते ही हनुमान जी कृपा कर देते हैं। पर भैया इसीलिए फलश्रुति भी यही कहती है, जो यह पढ़े बस और कुछ नहीं, कब पढ़े कैसे पढ़े किस तरह पढ़े कोई शर्त नहीं, कौन पढ़े कौन न पढ़े ऐसा भी कोई अधिकार भेद नहीं, जो यह पढ़े बस। हनुमान चालीसा, और यह भी नहीं कि मन लगाकर पढ़े कि बिना मन लगाए पढ़े, बस केवल पढ़े, शर्त है ही नहीं कोई। इतना सुगम साधन, लेकिन एक बात है, हनुमान जी कहते हैं कि हमारा तो केवल स्मरण कर लेना इतने में ही काम बन जाएगा, याद कर लेना, तो केवल स्मरण से ही काम बन जाए तो बाकी के समय में हम क्या करें जिससे आप प्रसन्न रहें। तुलसीदास जी बोले वो हम बताते हैं, बाकी के समय में रामचरित सुनी बे, श्री रामचरित सुनी बे तो रसिया रे, राम चरित सुनी बे, राम लखन सीता मन बसिया, राम चरित सुनी बे। श्री हनुमान जी महाराज श्री राम कथा से प्रसन्न होते हैं, राम गुण गायन से प्रसन्न होते हैं। सुमिरत कोई स्मरण करे बस, दुर्गम से दुर्गम कार्य को हनुमान जी महाराज सुगम कर देते हैं, क्योंकि वे अतुलित बलधामम है, उनके बल का कोई पार नहीं है। मानस में ही उदाहरण मिलते हैं और श्री तुलसीदास जी ने अन्य ग्रंथों में भी उल्लेख किया है। हनुमान जी तो ऐसे संकट मोचन है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान सबका संकट दूर करते हैं, भगवान का संकट कौन दूर कर सकता है? सर्वाधिक दुर्गम कार्य यही है भगवान का संकट। और इसीलिए मुझे लगता है कि भगवान सारे संसार का संकट दूर करते हैं, और सारे संसार का संकट दूर करने वाले संकट मोचन, भगवान का संकट दूर करने वाले संकट मोचन श्री हनुमान जी हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। एक उदाहरण देखो, श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, भगवान के नेत्रों से आंसू बहने लगे, राम जी ने कहा मेरो, गीतावली में वर्णन है, मेरो सब पुरुषार्थ आपो, मेरो सब पुरुषार्थ था, विपति बटावन बंधु वीर बिनु, करो भरोसो काको, मेरो सब पुरुषार्थ था,
श्री राघवेंद्र के नेत्रों से आंसू बरस रहे थे। श्री राम कह रहे थे कि आज मैं हार गया, लक्ष्मण के बिना मैं नहीं। अगर रहूंगा भी तो ऐसे रहूंगा जैसे पंख के बिना पक्षी। और ऐसा तब होगा जो जड़ दैव जियावे मोही, अगर विधाता ने जीवित रखा तो। अब राम जी ही जब हार गए हों तो और वानर करें भी तो क्या करें, भगवान का भरोसा था वे ही हार रहे हैं। तो सभी राम जी को रोते हुए देखकर रोने लगे। पर उसी अवसर पर जैसे करुणा में वीर रस का संचार हुआ हो, ऐसे अतुलित बलधामम वीर बजरंग बली सिंहनाद कर उठे, कहा कि प्रभु मैं सब कुछ देख सकता हूं, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। राम जी रोते हुए बोले, हनुमान करोगे भी तो क्या, जो मृत्यु के मुख में जा रहा हो उसे बचाना तो असंभव है, अब मेरा लक्ष्मण बचेगा नहीं, लक्ष्मण नहीं बचा तो मैं भी नहीं बचूंगा। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप चिंता न करें, मृत्यु से किसी को बचाना असंभव है, मौत से कोई नहीं बचा आज तक, पर हनुमान जी तो अघटित घटन सुघट विघटन, ऐसी विरदावली नहीं आने की। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अगर मौत यहां आएगी लक्ष्मण जी को लेने तो निराश होकर जाएगी, क्योंकि उसके पहले मैं अमृत लाकर रहूंगा। भगवान ने कहा कि अमृत तो सुना जाता है, देखा तो है नहीं, विष दिखाई देता है अमृत नहीं, सुनिए सुधा देखिए गरल। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जहां सुना गया है कि अमृत है मैं वहीं से लाऊंगा। और गीतावली में बड़ा सुंदर वर्णन है, बजरंग बली ने कहा आज जो हो प्रभु अनुशासन पावो, तो सुना है कि अमृत चंद्रमा में है, इसीलिए उसे सुधांशु बोलते हैं, सुधाकर बोलते हैं। हनुमान जी ने कहा तो मैं एक ही काम करूंगा, अगर अमृत चंद्रमा में रहता है तो चंद्रमई निचोरी चैल ज्यों। चैल कहते हैं वस्त्र को, का इस चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ दूंगा। बोलो, चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ना संभव है क्या? कदापि संभव नहीं है। लेकिन तुलसीदास जी बोले, यह कौन कह रहे हैं? का हनुमान जी, का उनके लिए संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि दुर्गम काज जगत के ये थे, दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह तुमने देते, हनुमान जी कहते हैं चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़कर, तो चंद्रमई निचोरी चैल जो आन सुधा सिर नाव। चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़कर अमृत लक्ष्मण जी के मुख में गिरा दूंगा और तभी आपके चरणों में आकर प्रणाम करूंगा। सुना है कि पाताल में सर्प अमृत घट की रक्षा कर रहे हैं, अमृत का घड़ा पाताल में है, सर्प समूह उसकी रक्षा कर रहा है। श्री हनुमान जी बोले, कह पाताल दलों व्यालावले अमृत कुंड महिलावो, पाताल में जाके सर्प समूह को नष्ट करके अमृत का घड़ा ही धरती पर ले आऊं। आकाश में भी गति है, पाताल में भी गति है। और तीसरी बात तो हनुमान जी ने
ऐसी कही जो वे ही कह सकते हैं और वे ही कर सकते हैं। हनुमान जी बोले कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं, यहीं एक काम करता हूं। क्या? मारो मीच नीच मूसक इव सबई को पाप बहाओ। कहो तो इस मौत को ही मार डालें, आज के बाद सबका झंझट खत्म, मृत्यु को मार डाल। यह मृत्यु लोक है, इस धरती पर मौत को रहने ही न दो। पार्वती जी ने सुना तो शंकर जी से कहा कि सुन रहे हो हनुमान जी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, और आपकी गवाही है, होए सिद्धि साखी गौरी सा, ये मौत को मार सकते हैं क्या? इन वानर वीर में ऐसी सामर्थ है? अब वानर रूप में तो श्री शंकर जी ही हैं, हनुमान जी के रूप तो शंकर जी तुरंत बोले बोले हां पार्वती संभव है कि हनुमान जी मौत को भी मार डालें, लेकिन इनकी विशेषता नहीं है। अब शंकर जी अगर उनकी विशेषता बताएं तो अपनी ही विशेषता कहेंगे, इसलिए बोले उमान कछु कपि के अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। उमान कछु कपि के अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, मारो मीच नीच मूसक एव सबई को पाप बहावो, आज जो हो प्रभु अनुशासन पावो। और जब हनुमान जी ने यह गर्जना की कि चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ दूं, अमृत पाने के लिए पाताल में जाकर सर्प समूह को नष्ट करके अमृत का घड़ा ले आऊं, और जब यह कहा कि धरती पर बसने वाली मौत को ही मार डालूं, हनुमान जी ने गर्जना की तो तीनों लोग कांप गए। आकाश में चंद्रमा, पाताल में सर्प समूह और धरती पर मौत। और जब तीनों लोग कांप गए तब तुलसीदास जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की, शांत शांत, अरे वीर बजरंग बली शांत रहे। आपन तेज समारो तीनों लोग हाँकते कांपे, तीनों लोग हाँकते कांपे, तीनों लोग हाँकते कांपे, तीनों लोग हाँकते कांपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। ऐसे हैं श्री हनुमान जी। क्यों? क्या अमृत पाने के लिए चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ सकते हैं, पाताल जाकर अमृत का घड़ा ला सकते हैं, पृथ्वी पर मृत्यु को मार सकते हैं? हाँ, क्योंकि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, सुगम अनुग्रह तुम, अनुग्रह तुम। जामवंत जी ने कहा कि वैद्य को ले आओ, हनुमान जी का नाम नहीं लिया। जामवंत कहे वैद्य सुखेना लंका रही को पठाइए लेना, कोई चला जाए। हनुमान जी गए और कितना कठिन कार्य किया, गए और थोड़ी देर वापिस। श्री तुलसीदास जी एक ही पंक्ति में वर्णन कर देते हैं, धरि लघु रूप गए हनुमंता। पहली बात तो यह सबसे कठिन कार्य है, दुर्गम कार्य है। कौन सा? जिन हनुमान जी की इतनी महिमा हो कि वे चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ सकते हो, जो पाताल से अमृत घड़ा ला सकते हो सर्प समूह को मारकर,
जो धरती पर रहने वाली मृत्यु को भी मिटा सकते हो, इतनी महिमा जिनकी हो, जो इतने बड़े हो, वे और छोटे बन जाए, सबसे कठिन कार्य है। क्योंकि जो एक बार बड़े बनते हैं वे छोटे हो ही नहीं सकते। इसलिए लोग हम छोटे बने, हम, यह सबसे दुर्गम कार्य है, सबसे कठिन कार्य है। अच्छा, कोई बनना भी चाहे तो उनके साथ वाले नहीं बनने देते, आप ऐसा करोगे, आप, अरे क्या है आप, हम। और यही कारण है कि बड़े से बड़े लोग छोटे नहीं बन पाते हैं। पर हनुमान जी अभी कह रहे थे मौत को मार डाले, चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ दे, अमृत का घड़ा पाताल से ले आवे और जब काग्नि ने वैद्य जी को ले आ, दूसरे को क्या छोटा मोटा काम बताया हमें, हमसे तो बड़े काम के लिए कहा करो, इसके लिए और लोग हैं किसी को भेज दो। पर हनुमान जी ऐसे अभिमान रहित हैं कि इतने बड़े बड़े काम करने में समर्थ, बड़ी बड़ी बात करने वाले हनुमान जी को छोटे बनने में देर नहीं लगी। दुर्गम खाज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम देते, क्यों बन सके हनुमान जी छोटे। हनुमान जी ने मानो सूत्र भी हम लोगों को समझा दिया, हम अभिमान के कारण छोटे नहीं बन पाते, हमें अभिमान दिखाई देता रहता है, और अभिमान जब दिखता है तब और कुछ नहीं दिखता है। पर हनुमान जी को अभिमान नहीं, भगवान दिखाई दे रहे हैं, वे राम जी की सेवा में, राम जी के कार्य में है, और जिसको भगवान दिखाई देते रहेंगे वो कितना ही बड़ा हो पर छोटा बनने में उसे देर नहीं लगेगी, क्योंकि वह भगवान को देखता है। धरि लघु रूप गए हनुमंता, धरि लघु रूप गयउ हनुमंता, आनेउ भवन समेत तुरंत भवन समेत, भवन समेत, भवन समेत। श्री हनुमान जी गए, पहली बात तो श्री हनुमान जी छोटे बनकर गए और वैद्य को ले आए तुरंत, तुरंत आनेउ भवन समेत तुरंता। यहां दो तीन तथ्यों पर हम लोग विचार करेंगे। एक तो यह बड़ी ऊंचाई मिलने के बाद छोटा बनना बहुत कठिन, पर हनुमान जी धरि लघु रूप। और यहां एक शब्द और है, छोटे बनने में कुछ देर लगी, लोगों ने समझाया हो कि चलो आप ही छोटे बन जाओ ना, तुरंत था, तुरंत। और वैद्य को आने हूं ले आए, शीघ्र ले आए, लेकिन एक अद्भुत बात है, क्या किसी को भेजा जाए कि उस व्यक्ति को लेकर आओ, तो कोई अगर सक्षम होगा तो उस व्यक्ति को लेकर तो आ जाएगा, यह उतना बड़ा आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो तब है आने हूं भवन समेत तुरंता, वैद्य को भवन समेत। किसी ने कहा क्या यह संभव है, आप कल्पना करो,
अच्छा चलो भवन के समेत ले आए, पहले तो यही कठिन है। अच्छा भवन अगर एक जगह जहां बसा था वहां से उखड़ जाए फिर बसाना क्या संभव है? पर हनुमान जी ले भी आए और फिर मकान को वहीं रख दिया जहां से ले आए थे, और ऐसा वर्णन है, पर इसको असत्य मत मानना, आश्चर्य भी मत करना। तुलसीदास जी बोले हमें आश्चर्य नहीं है। क्यों? बोले है तो ये असंभव कार्य, लेकिन अगर हनुमान जी ने किया है तो संभव है। क्यों? क्योंकि दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। वैद्य आए, मानरों ने कहा कि वैद्य कहां है? हनुमान जी बोले इसी मकान के भीतर होगा, कुंडी खटखटाओ। वहीं क्यों नहीं जगाया वैद्य को? भवन क्यों ले आए? हनुमान जी बोले वैद्य को जगाते तो मोहल्ले वाले भी तो जाग जाते, और फिर हम वैद्य को समझाते कि उपचार के लिए चलना है, पता नहीं वैद्य आने के लिए तैयार होता कि नहीं। कहा आपसे तैयार नहीं होता, डांट डपट के ले आते। श्री हनुमान जी बोले ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, जिस वैद्य को इलाज के लिए ले जाए पहले ही उससे झगड़ा कर ले तो फिर मर्ज की कौन कहे, मरीज ही नहीं बचेगा। तो अकेली चारपाई ले आते, हनुमान जी बोले वैद्य यहां आके यह भी तो कह सकता था कि दवाइयां घर में ही छूट गई, इसलिए अस्पताल के सहित ले आए। और तीसरी बात, वैद्य को लगता ही नहीं कि हम कहीं ले जाए गए, उसे लगता है कि इतने लोग हमारे यहां आए हुए हैं। और चौथी बात यह है कि रावण को यह पता है कि श्री लक्ष्मण मूर्छित हैं, तो वह निश्चित रूप से अपने गुप्तचरों को तो भेजेगा और सिपाहियों को तो भेजेगा कि जाओ वैद्य के मकान की तलाशी लो, वैद्य कहीं उपचार के लिए गया तो नहीं है। हनुमान जी बोले अब खूब रावण के सिपाही घूमते रहे, मकान ही नहीं मिलेगा तो तलाशी किसकी लेंगे, मकान हो तो तलाशी लें। एक ही कार्य ऐसा कर दिया जिसमें सारी समस्याओं का समाधान हो गया। कितने मैं गिनाऊं हनुमान जी के ऐसे कृत्य, जिसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं दुर्गम काज जगत के, दुर्गम काज जगत के जेत, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। हनुमान जी चले, वैद्य ने संजीवनी बूटी के लिए कहा और यह कहा कि सूर्योदय के पहले आ जानी चाहिए। हनुमान जी बोले जब लौट कर आऊंगा तभी सूर्योदय होगा, हमारे आने के पहले सूर्योदय हो ही नहीं सकता। वैद्य कह रहे थे कि सूर्योदय के पहले आना, हनुमान जी दूसरी बात कह रहे थे कि हमारे आने के पहले सूर्योदय हो ही नहीं सकता। सूर्य माने काल की गति, तो काल की गति को अवरुद्ध कर सकते हैं? काल सबको प्रभावित करता है, कोई ऐसा नहीं है जिसे काल प्रभावित न करता हो। पर हनुमान जी क्या काल की गति को रोक सकते हैं? तुलसीदास जी बोले इनके लिए बड़ी बात नहीं, ये तो काल की गति रोकने का अभ्यास इन्हें बाल्यकाल से ही है। बाल समय रवि भक्ष लियो, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताही सो त्रास भई जग को, यह संकट काहू सो जात न था। देवन आने करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो,
को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहार। ऐसे संकट मोचन वीर बजरंग बली काल की गति को भी अवरुद्ध कर दे। क्यों कर दे? कर सकते हैं, क्योंकि अवतार उनके हैं जो महाकाल है, करालम महाकाल कालम कृपालम। और संयोग देखो, हनुमान जी आगे बढ़े तो मार्ग रोकने आ गया कौन? काल ने भी। अब यह भी बड़ा सांकेतिक सूत्र है। वैद्य ने कहा कि सूर्योदय के पहले औषधि आ जानी चाहिए, वह भी काल का ही संकेत है। और मार्ग रोकने आया तो काल नेम ही, नेम कहते चक्र और काल माने समय। इसलिए आपने सुना होगा लोग क्या कहते हैं, अरे भाई सब समय का चक्कर है। समय का चक्कर ही काल नेम ही है। काल नेम माने समय का चक्कर। इस समय के चक्कर ने बड़ों बड़ों को चक्कर में डाल रखा है। सब दिन होत न एक समान। पर हनुमान जी महाराज को काल नेम भी रोक नहीं सका। परन वर्णन आता है, सिर लंगूर लपेटी पछारा। हनुमान जी ने काल नेमी को अपनी पूंछ में लपेट कर पछाड़ दिया। और पूंछ माने हनुमान जी की शक्ति, और सब लोग शक्ति के पीछे पड़े हैं। हनुमान जी के पीछे शक्ति पड़ी है। क्यों? क्योंकि भक्ति आगे है। जो भगवान की भक्ति में आगे रहते हैं उन्हें शक्ति के पीछे नहीं पड़ना पड़ता, शक्ति उनके पीछे पड़ी रहती है। और हनुमान जी ने उसी शक्ति से काल नेमी को पछाड़ दिया। यही भक्ति की शक्ति है जो काल के चक्र को भी पराजित कर दे, समय के चक्र को भी पराजित कर दे। दुर्गम काज हनुमान जी करते गए, औषधि नहीं पहचान सके। देखा सैन न औषधि चीना। अब यहां भी एक बहुत बड़ी बात गोस्वामी जी कहते हैं, देखा शैल न औषधि चीना। हनुमान जी औषधि नहीं पहचान सके, स्पष्ट लिखा है पहचान नहीं सके। और कौन नहीं पहचान सका औषधि को? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। औषधि को कौन नहीं पहचान सके? बुद्धिमताम वरिष्ठम। पर हनुमान जी ने इसे स्वीकार कर लिया। यह बहुत बड़ी बात है, नहीं तो जिसका नाम होता वो अपनी गलती कभी स्वीकार करे? अपनी असमर्थता अयोग्यता कभी स्वीकार करे ना? हनुमान जी की जगह दूसरा कोई होता तो ये कहता ही नहीं कि हम औषधि नहीं पहचान पाए। और उससे कहा भी जाता, क्या औषधि पहचान नहीं पाए इसलिए पहाड़ ले आए? तो मालूम क्या भावना करता, अरे हम ना पहचाने औषधि, कैसी बात करते, वहीं पहचान गए थे, फिर पहाड़ क्यों ले आए? वो तो हम इसलिए ले आए कि शायद और कोई मूर्छित हो, जरूरत पड़े फिर दबा के, तो हमने सोचा लिए ही चलते, इकट्ठे लिए चलते। आप देखो व्यक्ति ऐसे ही बहाने बनाता है, अपनी असमर्थता को स्वीकार नहीं करता। और सचमुच हनुमान जी वैद्य को लेने गए तो छोटे बनकर गए, यह उनकी विनम्रता है। और औषधि लेने गए तो अपनी अयोग्यता असमर्थता को भी स्वीकार करते हैं, यह उनकी विनम्रता है। और सचमुच अपने अभिमान से मुक्त हो पाना बड़ा दुर्गम कार्य है, और यह श्री हनुमान जी सहज कर लेते हैं। तो ऐसे श्री हनुमान जी से हम लोग भी प्रार्थना करें कि हनुमान जी जब आप अपना अभिमान मिटाने में इतने समर्थ हैं तो ऐसी कृपा करें कि आपकी कृपा से हमारा भी अभिमान टूटे। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर श्री भरत से मिलते हुए आए, और संजीवनी बूटी वैद्य ने तुरंत खोजी, लक्ष्मण जी को दे दी। लेकिन अद्भुत बात है, जैसे ही संजीवनी बूटी
वैद्य ने लक्ष्मण जी को दी तो लक्ष्मण जी मूर्छा मुक्त हुए, पर भगवान ने लक्ष्मण जी को हृदय से बाद में लगाया। भगवान ने क्या किया, लक्ष्मण जी को नहीं, हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। लाय सजीवन लखन जिनाई, लाय सजीवन लखन जिवाई, श्री रघुवीर हरसि उर लाई, श्री रघुवीर हरसि ही लाई। राम जी ने अपने हृदय से हनुमान जी को लगा लिया, हनुमान जी। किसी ने कहा कि लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो गई, देखो प्रभु वे सचेत हो गए, आप उनसे तो मिलिए, उनसे तो मिलिए। लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, उनकी मूर्छा दूर हो गई, आप उनसे मिलिए। भगवान बोले लक्ष्मण से बाद में मिलूंगा, पहले तो मैं लक्ष्मण से को जिलाने वाले और लक्ष्मण को जिलाकर मुझसे मिलाने वाले हनुमान से मिलूंगा, श्री रघुवीर हरसि ही लाए। और मानो भगवान ने कहा तो यही कहा, इस घटना को भगवान कभी नहीं भूले, कभी नहीं भूले। भगवान तो कहते हैं शक्ति बाण लग्यो लक्ष्मण के शोर भयो दल माही, शोर भयो दल माही। श्री हनुमान जी द्रोणागिरी पल में ले आए, भोर होन नहीं पाई, भरत भाई कपि से उरिन हमना। पीछे उड़ेन हम संजीवन बूटी ले आए, भोर होन नहीं पाई, भोर नहीं पाई भरत भाई कपि से उरे न हमना। दुर्गम काज जगत के जीते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। कितनी बातें बताई जाए, बल्कि हनुमान जी के द्वारा जितने कार्य सब दुर्गम, समुद्र लांग जाना आसान कार्य है। हनुमान जी समुद्र लांग गए, जलदी लांग गए, हनुमान जी बोले अचरज नहीं। समुद्र लांग जाए और आश्चर्य नहीं, तुलसीदास जी बोले इसलिए हनुमान जी लांगे तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। अच्छा एक और अद्भुत बात देखो, लंका जला दी, अरे किसी का घर मकान दुकान शहर गांव जला देना कठिन है पर संभव है, पर हनुमान जी ने जो नगर जलाया है वो सोने की लंका है और सोना आग में जलता नहीं, स्वर्ण आग में जलता ही नहीं है, बल्कि उसकी चमक और बढ़ती है।
कन कहीं भान चढ़ई जिमिदा है, उसको जितना जला उतना ही स्वर्ण कुंदन बन जाता है, वह जलता नहीं है। और हनुमान जी ने सोने की लंका में आग लगा दी, सोने की लंका जला दी। क्यों? क्योंकि दुर्गम काज जगत के जेते, और उसमें लोग कई कारण ढूंढते। हनुमान जी ने सोचा कि ये जलेगी कैसे, लंका सोने की है। एक महात्मा बड़ा सुंदर अर्थ कर रहे थे, शनिश्चर भी रावण के यहां था और रावण जानता था कि इसकी दृष्टि खराब है, तो शनिश्चर को उल्टा पटके हुए था रावण और उस पर अधिकार रखता था कि ताकि ये पलट कर ऐसे देखने न पावे। हनुमान जी ने सोचा बड़ा सरल उपाय है, इसको ही पलटो। तो उसको जैसे ही उलटा और शनि की दृष्टि पड़ी सोने पे, तो लंका ही लोहे की हो गई। और वो महात्मा अर्थ करते थे कि हनुमान जी ने शनि को उलटकर पलटा और उसकी दृष्टि पड़ती तो उलटी पलटी कपी लंका जा रही। चलो यह भी कारण सही, पर शनि को उलट पलट कर देना यह हनुमान जी के ही बस का काम है। एक बार शनि आया हनुमान जी के पास, हनुमान जी ने कहा कैसे पधारे? बोले हम तो सबके पास जाते हैं, सो तुम्हारे पास आए ग्रह दशा के ढंग से। हनुमान जी बोले आए हो तो स्वागत है, आपका आना शिरोधार्य है। तो कहां बैठे? बोले सिर पे ही बैठो। शनिदेव सिर पर बैठ गए। कितने दिन रहना है? बोले कम से कम 7-7.5 साल रहेंगे, उससे आगे की देखी जाएगी। हनुमान जी बोले प्रेम से रहो। शनिश्वर बैठ गया सिर पे और हनुमान जी ने एक बड़ा सा पहाड़ ही उखाड़ लिया और पहाड़ सिर पे रखा। शनि बोला यह क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले हम जो करें तो करने दो, तुम तो बैठो। शनि ने कहा यह कोई ढंग का काम नहीं है। हनुमान जी बोले जिसके सिर पे तुम बैठोगे वो ढंग का काम करेगा, जिसके सिर पे तुम बैठो वो तो ऐसे ही काम करे। शनि बोला हम तो दबे जा रहे हैं। हनुमान जी बोले ये तो आरंभ है, अभी तो कितने पहाड़ रखने पड़े। शनि ने कहा तो हम तो आज अभी जा रहे हैं। हनुमान जी बोले नहीं आराम से रहो। बोलो, शनि सबको दबाता है, हनुमान जी ने शनि को ही दबा दिया। कह दिया कि राम भक्तों को परेशान मत करना और जो हनुमान चालीसा पढ़े उसे भी परेशान मत करना। तब से ही तो मंगल और शनि हनुमान जी की पूजा होती है, शनिवार को भी। दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, दुर्गम एक अंतर कथा मैंने सुनी थी कि जब लंका का महासमर हुआ तो रावण के ओर से उसका बेटा लड़ने के लिए आया, और उसके बेटों का भी तो पार नहीं है। उसको विचित्र वरदान मिला था, उसके सामने कोई जाता ही नहीं था, वो जिसकी शक्ल देखता वही जलकर भस्म हो जाता,
अब कौन जाए लड़ने, जो जाता और वो देखता वो भस्म हो जाता। श्री राम जी बड़े चिंतित कि जो वानर जाते हैं सब जलकर भस्म हो जाते हैं, उसे कैसे मिटाया जाए। हनुमान जी बोले हम जाएंगे, आज्ञा करो। दुर्गम काज जगत के जेत, हनुमान जी गए। और कैसी युक्ति, किसी ने कहा वो वरदान है उसे, वो जो देखेगा वही जल जाएगा। उसे जिसकी शक्ल दिखेगी वही जलेगा, जिसका चेहरा दिखेगा। बड़ा कठिन काम है उसके सामने जाना। हनुमान जी ने कहा कठिन काम उपाय सरल है। सरल क्या, हनुमान जी को जो सूझी किसी को नहीं सूझी ऐसी युक्ति। हनुमान जी लड़ने तो गए उसके सामने, दर्पण लेकर गए, जैसे वो सामने दिखा उसी को शीशा दिखा दिया, उसी को अपनी शकल दिखी, खुद ही जल के भस्म हो गया। दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज जगत सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, दुर्गम काज जगत जगत के जेते, दुर्गम काज जगत सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते, दुर्गम काज जगत आ आ काज जगत, दुर्गम काज जगत काज जगत काज जगत, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। अरे राम जी प्रशंसा करते, एक बार रावण ने चार सेनाएं भेजी, हाथी पर सवार सैनिक, घोड़ों पर सवार पैदल और रथारूढ़, हनुमान जी अकेले। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु हनुमान जी अकेले हैं, रावण की अजी ये चार चार सेनाएं आई हैं, आज्ञा हो तो हनुमान जी की सहायता के लिए मैं जाऊं। राम जी बोले हनुमान जी अकेले काफी है, दुर्गम काज जगत के जेते कैसे लड़ेंगे बोले अभी देखना। और चारों सेनाओं ने हनुमान जी को घेर लिया, और हनुमान जी के पास गदा भी नहीं ना। किसी ने हनुमान जी से कहा शस्त्र नहीं रखे आप, गदा भी नहीं रखे। हनुमान जी बोले जरूरत नहीं है। क्यों बोले हथियार तो वही लोग लेकर आते, शस्त्र तो वही लेकर आते, तो उनके शस्त्रों से कौन बोले वही मिटेंगे, उनके शस्त्रों से वही मिटेंगे। संकेत क्या है का राक्षस है, राक्षस माने दुर्जन, और दुर्जन को मिटाने के लिए किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं। उनकी उनके जो कर्म है, उनके जो शस्त्र है, वही उनको मिटाने के लिए है। हनुमान जी अकेले खड़े, अब जैसे ही रथारूढ़ और गजारूढ़ अश्वारूढ़ सैनिक आए, हनुमान जी ने जय श्री राम करके एक छलांग लगाई, हाथी पर सवार सैनिक को नीचे गिरा दिया और हाथी को ही हाथों में उठा लिया। बोलो गदा से तो दो चार मरते हो, हाथी पटकेंगे किसी पे। और कभी कभी तो लगता है कि कैसा विचित्र चित्र रहा होगा, कपि बढ़लाग आकाश, आकाश तक हनुमान जी की विशाल भयंकारी मूर्ति, भयावनी मूर्ति जो दुर्जनों के दिल दहलाने देने वाली। और हनुमान जी ने एक हाथ में
एक हाथी को पकड़ रख और दूसरे को गिराए दूसरे एक हाथी और ऐसे दोनों हाथ में हाथी। बेचारे देवता जो ये रण देखने आए थे कैसा युद्ध हो रहा है, बोले भागो थोड़ी दूर है दो हाथियों के बीच में कोई ना आ जाए, और हाथी उठाकर हाथी पर पटक दिया। हाथी ने सो हाथी मारे, घोरे घोरे सो संहारे, रथनी सो रथ बिदरनी बलवान की। हाथी से हाथी को कुचल दिया, घोड़े को घोड़े पर पटक दिया और रथ को रथ पर। राम जी कहते हैं वाह, हाथी सो हाथी मारे, घोरे घोरे सो संघारे, रथनी सो रथ बिदरनी बलवान की, बार बार सेवक सराहना करत राम। राम जी कहे वाह वाह वाह, तुलसी सराहे रीत साहेब सुजान की। लक्ष्मण जी बोले हनुमान जी कमाल कर रहे हैं प्रभु, तीन तीन सेनाओं को और अकेले लड़ रहे हैं और टिकने नहीं दे रहे सामने। राम जी बोले ये तो आगे की लीला, पीछे तो देखो। पीछे बोले पीछे पूंछ अपना कमाल कर रही, जो चक्कर में पड़ा लपेटा पटका साफ किया फिर दूसरे के लिए तैयार। और पूंछ की लंबाई निश्चित हो तो आदमी सावधान रहे कि इतने एरिया मत जाना खतरा है, पर ये तो जरूरत पड़ने पर बढ़ भी जाए और घट भी जाए। लामी लूम लसत लपेट पटकत भट, देखो देखो लखन लरनी हनुमान की है। हनुमान जी की लड़ाई कोई बचा ही नहीं, ना अश्वारोही बचे, ना गजारूढ़ ना रथारूढ़ और ना पैदल, साफ हनुमान जी अकेले। किसी ने कहा कि इतने रावण जैसे बलशाली के सेना में एक एक वीर कैसे थे। तुलसीदास जी कहते हैं एक एक जग जीत सके ऐसे सुभट निकाय। रावण की सेना में ऐसे ऐसे वीर थे जो एक एक पूरे संसार को जीत सके, और हनुमान जी ने एक नहीं बचने दिए। रावण के पास सेना में से तो कोई बचा नहीं था जो पहुंचता, समाचार देने वाले पहुंचे। रावण ने कहा सेनाएं कहां है और बंदर कहां है, बोले सेनाएं तो गई मर गई बंदर वही है। तो कहा कैसे मर गई इतनी बड़ी बड़ी शक्तिशाली सेनाएं, कहा उस वानर के सामने टिकना बहुत कठिन है। रावण बोला तो बड़े मूर्ख थे, सामने नहीं टिक सकते तो पीछे से पकड़ते, चोर हमला करते। संवाददाता बोले नाराज ना हो लंकेश्वर, आगे वाले तो थोड़ी बहुत देर टिके भी, पीछे वाले तो उतनी भी देर नहीं टिके। क्यों बोले पीछे पूछ। यह है हनुमान जी, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहे देते। रावण ने भी हार नहीं मानी, अमर सेना भेजी, मरेगी नहीं। अब हनुमान जी क्या करेंगे, आज तो राम जी भी चिंतित, विभीषण जी ने समाचार दिया, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है ये राक्षस अमर रहेंगे मरेंगे नहीं, क्या करें। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आज्ञा दें दास को, कल एक नहीं बचेगा। तो बोले इन्हें मिटाओगे कैसे, बोले ये तो कल ही खबर लगेगी, आप तो आज्ञा दो। भगवान बोले वो अमर है, हनुमान जी बोले हम भी अमर हैं। कहा उनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, हनुमान जी बोले हमें जानकी माता ने। लक्ष्मण जी बोले इन्हीं को भेजो, ये अमर अमर की लड़ाई ठीक। हनुमान जी गए और क्या किया, लड़े ही नहीं। क्यों नहीं लड़े, हनुमान जी से किसी ने कहा कि लड़ते क्यों नहीं हो, हनुमान जी बोले जिनके बारे में पहले से तय है कि मरेंगे नहीं उनसे लड़ने से क्या फायदा, ये मरेंगे नहीं तो इनसे लड़ने से क्या फायदा। कहा फिर कुछ तो करो, हनुमान जी बोले कुछ करते और क्या किया, कवितावली में वर्णन है, जे रजनीचर वीर विशाल कराल विलोकत काल न खाए। जिनको काल भी, जो काल से बच गए वो महाकाल से नहीं बचे। जे रजनीचर वीर विशाल कराल विलोकत काल न खाए, अति रनरोर बड़े बरजोर कपीस किशोर परे फग पाए। हनुमान जी के दाव में पड़ गए,
हनुमान जी ने बड़ी लंबी पूंछ फैलाई, लूम लपेट आकाश निहारी के, पूंछ में इकट्ठे ही लपेटा, आकाश की तरफ देखा और परम संकल्पवान हनुमान जी ने फेंका, हां कि हठी हनुमान चलाए तो सूख गए गात। उन राक्षसों के शरीर सूख गए चिंता के मारे। मरने वालों से ज्यादा चिंता उन्हें होती जो मरते नहीं, अमर रहते हैं। मरने वाला ये सोचकर निश्चिंत हो जाता कि ज्यादा से ज्यादा मरेंगे और क्या होगा, पर ये राक्षस ये सोचते कि मरेंगे नहीं, पता नहीं कहां जा रहे, इन्हें तो और मुसीबत है। हनुमान जी ने वही किया, सूख के गात चले नवजात, और ऐसी शक्ति से फेंका कि परे भ्रम बात न भूतल आए, वे पृथ्वी की आकर्षण शक्ति सीमा रेखा ही पार कर गए, गुरुत्वाकर्षण की सीमा से ऊपर, पृथ्वी उन्हें नीचे खींचे ही नहीं सकती थी। हनुमान जी ने कहा तुम खूब अमर बने रहो, हमें कोई कठिनाई नहीं, निश्चयहीन करूं मही राम जी की प्रतिज्ञा है कि पृथ्वी पर कोई राक्षस नहीं रहना, जो आकाश में मंडराते रहो क्या नुकसान। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हें। रावण किसी की प्रशंसा नहीं करता पर हनुमान जी की करता है। है कपि एक महाबलशीला। एक बार क्या हुआ, रावण गया, रावण हनुमान जी के पीछे ही पड़ गया। पीछे क्यों पड़ गया, क्योंकि पीछे ही तो पूंछ है और रावण को हनुमान जी की पूंछ सहन नहीं हो रही थी। और आज भी है, जब भी किसी दुर्जन को किसी सज्जन की पूंछ सहन नहीं होती तो उसके पीछे ही पड़ जाता है। पीछे पड़ क्यों गया, बोले पूंछ उखाड़ने के लिए, कि इनकी पूंछ न रहे। रावण गया, 200 भुजाओं की शक्ति लगा के पूंछ पकड़ ली, को उखाड़ ही डाले और धरती पर पांव रोपकर खड़ा हो गया लंकापति। पर वाहरे बजरंग बली, लड़े ही नहीं, मुड़े ही नहीं। और कितना बढ़िया संकेत है, जो पीछे पड़े हो, निंदक हो, विरोधी, उनकी ओर मुड़ना ही नहीं चाहिए, अपने को तो उड़ना चाहिए। हम लोग तो उन्नति के मार्ग पर आगे चले, उनकी ओर क्या देखें जो पीछे पड़े। और सही बात है, जो पीछे पड़े हुओं की ओर नहीं देखते वही उड़ पाते हैं, और नहीं तो यही अटके रह जाते हैं। इनकी परवाह क्या करना, हनुमान जी मुड़े नहीं उड़े। अब रावण को यह कल्पना थी नहीं, ऐसा भी हो सकता है, वह तो सोच रहा था हनुमान जी मुड़ेंगे और हमसे उलझेंगे, पर हनुमान जी उड़े तो रावण पूंछ छोड़ ही नहीं सका। हनुमान जी उड़े तो रावण भी लटक गया, क्योंकि पूंछ पकड़े था, आया था पूंछ उखाड़ने, खुद उखड़ गया। और इसी तरह राम भक्तों की पूंछ उखाड़ने वाले खुद उखड़ जाते हैं। अब रावण ही कह रहा था हे शंकर भगवान, ये पूंछ कहीं टूट न जावे या हमारे हाथ से छूट न जावे, नहीं हम तो कहीं के नहीं रहे, न धरती के न आसमान के। तुलसीदास जी बोले जिनके चरण पकड़ने चाहिए उनकी पूंछ प्रतिष्ठा को उखाड़ने की कोशिश करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, न धरती के न आसमान के, अर्थात न लोक बनेगा न परलोक बनेगा। रावण भी कहता है कपि एक महाबलशीला है, एक एक है कपि एक एक। अब हम लोगों ने हनुमान जी की इतनी महिमा सुन ली, दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम जगत के जेते, सुगम अनुग्रह
तुम रे थे। तो एक काम करें, क्या हनुमान जी मिलेंगे कहां? संकट मोचन बजरंग बली दुर्गम काज को भी सुगम कर देती है जिनकी कृपा, ऐसे हनुमान जी के द्वार पर चले, हनुमान जी के द्वार पर। तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि हनुमान जी कहां मिलेंगे, उनका द्वार कहां है, हम पहुंच जाएं वहीं? तुलसीदास जी हंसे, कहने लगे द्वार तो उनका होता है जिनका घर होता है, उनका घर ही नहीं तो द्वार कहां? घर और द्वार, ना हनुमान जी का घर है और ना द्वार है, तो कहां मिलेंगे? बोले हनुमान जी स्वयं किसी के द्वार पर मिलते। किसके द्वार पर? राम द्वारे तुम रखवारे, राम द्वारे तुम रखवारे। देखो एक बात है, जब अयोध्या में भगवान श्री सीताराम जी सिंहासनासीन हो गए तो सभी वानरों को विदा किया और भगवान ने कहा अब गृह जाओ सखा सब, अब भैया अपने अपने घर जाओ, भजो मोहि दृढ़ नेम। पर किसी ने प्रभु से कहा कि आपने पक्षपात किया, सभी वानरों को भेजा, हनुमान जी को क्यों नहीं भेजा? सबसे आपने कहा कि घर जाओ, हनुमान जी से क्यों नहीं कहा? राम जी बोले इसीलिए तो नहीं कहा, जिनके घर हैं उनसे कहा घर जाओ, और जिनका घर ही नहीं उन्हें कहां कह देंगे जाओ? हनुमान जी का तो घर ही नहीं है। और सचमुच इसीलिए हम लोग कहां मिलते हैं? घर द्वार में हम लोग मिलते हैं, घर द्वार में, और हनुमान जी मिलते हैं हरिद्वार में, राम द्वारे तुम रखवारे। अच्छा एक बात आपने देखी, जहां घर द्वार है वहां अभिमान है और आसक्ति है, जहां घर द्वार है वहां अभिमान है और आसक्ति है। घर द्वार हमारा घर जैसा भी है हमारा तो है, कभी हमारे घर आकर देखो हमारा घर, और जहां हमारा है तो हमारे घर द्वार का अभिमान है और आसक्ति है, हमारा है हम नहीं छोड़ेंगे, हम इतने दिन रहे हम कैसे छोड़ दें ऐसे ऐसे। तो जहां घर द्वार है वहां अभिमान है और आसक्ति है, और जहां हरिद्वार है वहां भगवान है और भक्ति है। देखो इसीलिए हरिद्वार में गंगा जी बहती हैं, और गंगा जी क्या है? राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, राम भक्ति जहां भक्ति जहां सुर सुरसरी धारा धारा, भक्ति जहां सुर धाम, भक्ति जहां सुर भक्ति जहां सुरसरी भक्ति जहां सुर, और जहां भगवान है वहीं भक्ति है, और वहां रहते कौन है? हनुमान। और हनुमान का जो अर्थ है, मान का हनन जिन्होंने कर दिया, अभिमान नहीं है,
इसलिए कहां पड़े हैं, राम जी के द्वारे, राम जी के द्वारे पड़े रहो प्यारे, श्री राम जी के द्वारे पड़े रहो प्यारे। और राम जी का भवन कौन सा है, का कनक भवन, पड़े रहो प्यारे श्री राम जी के द्वारे, पड़े रहो प्यारे राम जी। एक ही भाव रखो निज ही में, एक ही भाव रखो निज ही में, हम सेवक प्रभु स्वामी हमारे, श्री राम जी के द्वारे पड़े रहो प्यारे, श्री राम जी द्वारे पड़े रहो प्यारे। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो जहां सिया राम जी विराजे, पड़े रहो कनक भवन दरवाजे, भगवान के द्वार पर। और देखो एक बात है, जो भगवान के दर पर जाते हैं उन्हें दर दर नहीं भटकना पड़ता है, और दर दर भटकते ही वो हैं जो भगवान के दर पर नहीं जाते। और एक बात है, जो भगवान के दर पर जाते हैं उनकी कोई दर भी होती है, और जो दर दर के उनकी कोई दर नहीं, कब किस दर के हो जाए, इसीलिए दर दर के हैं। देखो श्री कबीर जी ने कहा, मन कुत्ता दर दर फिरे और दर दर दुर दुर होए, और एक ही दर का होए रहे तो दुर दुर करे न कोई। तुलसीदास जी कहते, काहे को जाते हो किसी के दरवाजे, और क्यों जाना, और राम जी का होकर किसी दूसरे के दरवाजे पर जाना याचना के लिए। स्वार्थ परमार्थ सकल सुलभ एक ही ओर, द्वार दूसरे दीनता उचित न तुलसी तोर। दुनिया भर में काहे भटकता, दुनिया भर काहे भटकता, द्वारे द्वारे शीश पटकता, द्वारे द्वारे राम जी के द्वार पर ही, राम जी के द्वार पर ही अलख जगाए जा, सीताराम 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 गाएगा सीताराम, सीताराम 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 गाएगा सीताराम सीताराम। राम जी के चरणों में मन को लगाएगा, सिया राम जी के चरण मन को लगाए, मन को लगाए, मन को लगाए। सीताराम जी के द्वार पर श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा, हम द्वार पे आपके आके पड़े, मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े, अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी, अघ सिंधु
उतरे जो बड़े से बड़े तो ये बिंद करेंगे कभी न। हम द्वार पे आपके आके पड़े हम द्वार एक दूसरे भजन में वे कहते हमसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने वो अब गुलाम गैर के न द्वारे जाएंगे। इसीलिए मैं भी आपसे निवेदन करता हूं तन से घर द्वार में रहिए पर मन से तो प्रभु के द्वार पर रहिए भगवान के द्वार। प्रभु के मंदिर के द्वारे जब सिर झुक गया तो दर बदर सिर झुकाने से क्या फायदा। और हनुमान जी वहां मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। दर दर नहीं मिलते हनुमान जी राम द्वारे। राम द्वारे तुम रखवारे। रखवारे शब्द पर ध्यान दें। रखवाले हैं हनुमान जी। इसमें दो की रक्षा करते हैं भगवान। देखो जो द्वार पर बैठा होता है वो उसकी रक्षा करता है जो घर के भीतर है। एक महात्मा बड़ा चार्थ कर रहे थे प्रणवों पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। अर्थ तो आप जानते ही। मैं ऐसे पवन कुमार श्री हनुमान जी की वंदना करता हूं जो खलों के वन के लिए अग्नि के समान है और ज्ञान के स्वरूप है। जास हृदय आगार जिनके हृदय मंदिर में हृदय भवन में बसई राम सर चापधर राम जी धनुष्वान धारण करके बसते हैं यही अर्थ है। पर भक्तों की अपनी मौज होती है। वो संत बड़ी मस्ती में मुस्कुराते हुए बोले कहा कि यह भी अर्थ है पर यही अर्थ नहीं है। बसई राम सर चापधर धनुष्वान धारण करके बसते हैं ऐसे ही नहीं। फिर बोले बसई राम राम जी आराम से रहते हैं सर चाप धर धनुष्वान एक तरफ रख देते हैं कि यहां कोई जरूरत नहीं। कहा क्यों नहीं है। कहा हनुमान जी के हृदय में यहां धनुष्वान की आवश्यकता नहीं है। क्यों। बोले अब निश्चिंत हैं यहां हनुमान जी बैठे हो राम जी कहते हैं हमें वहां शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है। तब राम जी के भरोसे सारा संसार निश्चिंत रहता है और हनुमान जी के भरोसे राम जी निश्चिंत रहते हैं क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे। और एक बात और सुनो रखवारे हनुमान जी हैं जिनके द्वारे बैठे उनके भवन के रखवाले। और एक अर्थ यह भी है कि जो राम जी के द्वारे आ गए उनकी रखवाली हनुमान जी करते हैं। हनुमान जी कहते निश्चिंत रहो
अगर ये चाहते हैं हम कि हनुमान जी हमारी रक्षा करें, हनुमान जी हमारे रखवाले बने, तो हनुमान जी कहते हैं देखो भाई तुम्हारी रक्षा करने हम तुम्हारे द्वारे नहीं आएंगे, तुम राम जी के द्वारे आ जाओ फिर हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, रखवाले करेंगे। राम द्वारे रखवारे, राम द्वारे राम द्वारे तुम रखवारे, राम द्वारे तुम रखवारे, तुम रखवारे राम द्वारे, तुम द्वारे राम द्वारे तुम रखवारे। राम जी के द्वारे जो पहुंच जाते हैं हनुमान जी उनकी रक्षा करते हैं। राम द्वारे का अर्थ है राम जी से संबंध है जिनका। द्वारे का यह अर्थ नहीं है कि हम लोग यहां से चले फिर भगवान के धाम अयोध्या पहुंचकर फिर उनके भवन के द्वार जाएं तभी हनुमान जी रक्षा करेंगे, नहीं नहीं। आप एक काम करो ना, क्या जो आप तक आपका घर द्वार है उसे राम जी का मान लो, तो आज से ही आपके घर द्वार की हनुमान जी रखवाली करने लगेंगे। है ना, क्योंकि राम द्वारे तुम रखवाले। एक बात और है, लंका पूरी जली, हनुमान जी नहीं जलाई, विभीषण की कुटिया नहीं, विभीषण जी का भवन नहीं, भवन एक पुनी दीख सुहावा, क्यों नहीं जला? इसलिए नहीं जला हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। पर यहां एक बात पर गौर करें जरा ध्यान से, हरि मंदिर तो भिन्न बना है, तो मंदिर भगवान का है, और विभीषण जी जिस भवन में रह रहे वो विभीषण जी का है क्या? तुलसीदास जी संकेत करते हैं हरि मंदिर तो बना है पर जो घर है उस पर रामायुध अंकित गृह, राम जी के धनुष्बाण रखे दिखाई दिए, बने दिखाई दिए। हनुमान जी को लगा कि यह विभीषण का भवन नहीं है, विभीषण रहते हैं इसमें, पर यहां तो राम जी का धनुष्बाण है तो राम जी का घर है यह, और राम जी का घर है तो राम जी का द्वार है, तो यह घर द्वार नहीं, यह तो हरिद्वार है। और यही कारण है कि पूरी लंका जली और विभीषण जी जिस भवन में रहते थे वो भवन नहीं जला। क्यों? तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर संकेत किया कि आग तो सबको जलाती है, आग का काम ही है, फिर आग ने कैसे विभीषण की कुटिया छोड़ दी? और तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा कि हनुमान जी की पूंछ क्यों नहीं जली? बोले महाराज आप ही उत्तर दो। तुलसीदास जी ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया कि देखो जलाना अग्नि के हाथ में है, जलाना अग्नि के हाथ में है, लेकिन हनुमान जी जिनके भक्त हैं अग्नि उनके हाथ में है। जलाना अग्नि के हाथ में है और हनुमान जी उनके भक्त हैं, अग्नि जिनके हाथ में है। ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा, शंकर भगवान कहते हैं जरा न सोते ही कारण गिरिजा। तो हनुमान जी की पूंछ तो इसीलिए नहीं जली, और विभीषण जी जिस भवन में रहते थे वो क्यों नहीं? बोले वो राम जी का द्वार था,
राम जी का घर था और राम द्वार की रक्षा करने वाले तो हनुमान जी हैं, इसीलिए पूरी लंका जला दी। विभीषण जिस भवन में रहते थे वो नहीं जला, क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे। राम जी के द्वार पर जो रहे उसकी रक्षा हनुमान जी करते। यहां संत आवत रहे कथा होए हरि हेत, तुलसी ताके भवन की चौकी हनुमत देत। पहरो हनुमत दे। अब आगे की पंक्ति सुनो। होत न आज्ञा बिनु, बिनु पैसा रे, होत न आज्ञा आज्ञा बिनु पैसा रे, होत न आज्ञा बिनु। इसका अर्थ क्या? कई लोग इस पंक्ति का अर्थ ही अर्थ से जोड़ देते। एक आदमी कह रहा था, नहीं भाई कुछ ना कुछ तो चाहिए, उसके बिना नहीं चले। एक आदमी बोला, रिश्वत कोई आजकल से थोड़ी चली, पहले से ही चली आ रही। क्यों? उन्हें हनुमान जी लेते थे। कहा क्यों? उन्हें साफ साफ ने कहा, हो तो ना आज्ञा बिन पैसा रे, बिना पैसा के। और जिनकी आंखों में मन में पैसे ही बचा है, उन्हें इसमें भी पैसे ही दिखता है। एक आदमी कहता था कि हम तो हनुमान चालीसा के आधार पर ही ले रहे हैं। हनुमान जी ने कह दिया, किसी को आज्ञा मत देना भीतर घुसने की बिन पैसा रे, पहले पैसा लेना फिर। वहां वह अर्थ ही नहीं है, अर्थ का अर्थ ही नहीं है वहां। बल्कि इस पंक्ति के अर्थ को अर्थ से जोड़ देना अनर्थ है। पैसारे का अर्थ है प्रवेश। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, हनुमान जी की आज्ञा के बिना राम जी के यहां प्रवेश नहीं मिलता। श्री हनुमान जी जिसके लिए कहेंगे उसी का प्रवेश राम जी के भवन में होगा। देखो, सुग्रीव जी के लिए लक्ष्मण जी बराबर कहते कि प्रभु, सुग्रीव जी स्थिर नहीं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, और आप इन पर भरोसा करते हो। इनकी दुर्बलता का पक्ष भी तो देखो, दोष भी तो देखो, और आप पक्षपात कर रहे हैं सुग्रीव का। भगवान ने कहा कि देखो, लक्ष्मण जी ने कहा कि सुग्रीव जी में ऐसी क्या विशेषता है जो आप सुग्रीव जी का इतना अधिक पक्ष लेते हो। राम जी ने कहा कि सुग्रीव की तो बात है ही नहीं, क्योंकि अगर विचार करें तो भगवान ने इतना बड़ा अपयश स्वीकार करके बालीवध का सुग्रीव को राजा बनाया, और भगवान प्रवर्षण पर्वत पर रहे, सुग्रीव जी भूल गए भगवान को, तो भी राम जी कहते हैं मारना नहीं, भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव, वह मेरा सखा है। हनुमान तो लक्ष्मण जी ने कहा कि ये मुझे समझ में नहीं आता कि आप सुग्रीव की दुर्बलता को भी नहीं देखते, दोष को भी दोष नहीं मानते हो। इतने अच्छे नहीं है सुग्रीव जितना अच्छा आप मानते हो, अरे उनके दोष भी तो देखो। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मण, बात सुग्रीव की नहीं है, फिर सुग्रीव से मिलाया किसने? कहा हनुमान जी ने। भगवान बोले, हनुमान जी जिसको मुझसे जोड़ देते हैं, जिसकी सिफारिश मुझसे कर देते हैं, मैं फिर उसका गुण दोष नहीं देखता, उसे तो स्वीकार ही कर लेता हूं, क्योंकि हनुमान जी ने कह दिया है। बस यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिसके लिए हनुमान जी कह देंगे
भगवान उसके गुण दोष नहीं देखते, उसे भवन में प्रवेश मिल जाता है। और सुग्रीव जी को प्रवेश मिला कैसे? अयोध्या आए, भगवान ने सुग्रीव जी के लिए व्यवस्था क्या की? श्री भरत जी ने राम जी के लिए बड़ा भव्य भवन बनाया था, बड़ा भव्य भवन, कि इसमें आकर श्री राम रहेंगे। राम जी का भवन था, भरत जी ने बनाया था कि राम जी को उपहार स्वरूप यह दूंगा। राम जी पुष्पक विमान से आए, सबसे मिले, राम राज्य हुआ। भगवान से भरत जी ने कहा कि प्रभु, आपके लिए जो भवन बनाया है उसमें आप भी राज हैं, क्योंकि ऐसा भव्य भवन दूसरा अयोध्या में नहीं है। श्री राम जी ने कहा अच्छा, इतना सुंदर है? हाँ। भगवान ने भरत जी को हृदय से लगा लिया, भैया तुम्हारा उपहार मुझे स्वीकार है, लेकिन एक काम करो, मुझ में और सुग्रीव में कोई भेद नहीं है, हम दोनों सखा हैं, अभिन्न है, इसलिए मेरी आज्ञा है कि मैं इस भवन में नहीं, सुग्रीव जी इस भवन में रहे। और यह इतिहास अयोध्या का है, आज भी सुग्रीव जी के नाम से वह स्थान है, अब तो अवशेष है, परिवर्तन हुआ है दूसरे तरह से, उसी स्थान का नाम सुग्रीव किला है, श्री अयोध्या जी में वह स्थान है। तो यह भवन किसका था? भगवान का। उस भगवान के भवन में प्रवेश और निवास किसे मिला? सुग्रीव जी को। क्यों मिला? क्योंकि हनुमान जी ने सुग्रीव जी को राम जी से जोड़ा था, और जिसके लिए हनुमान जी निर्देश कर दे उसको भगवान के भवन में प्रवेश क्या निवास मिल जाता है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, राम द्वारे तुम बतवा, उतना आज्ञा बिनु कैसा रे, उतना आज्ञा बिनु कैसा रे। अजय, एक अद्भुत बात, हनुमान जी वहीं राम जी के चरणों में, राम द्वारे तुम रखवारे। अच्छा, और कोई भगवान के भवन पर आक्रमण करना चाहे, विरोध करना चाहे, तो हनुमान जी द्वार पर ही है, राम द्वारे तुम रखवारे। अच्छा, इनके बिना काम भी नहीं चलता, हनुमान जी सदा राम जी के चरणों में बैठे रहे। पलोटत पाए अंजनीला, पद पंक होत निहाल, कहत रघुराई धन्य शिवकान, पवन सुत गिरिवर धारी, दयामय जनक दुलार, आरती अवध बिहारी की, दयामय जनक दुलार। हनुमान जी हमेशा राम जी के चरणों में, चापे चरण नयन बरसावे, प्रेम रस धार सजनी, शिव जी दास भाव हित लिए, स्वयं अवतार सजनी। आप इस दृश्य को अपने मन की आंखों से देखिए, सोहे कनक सिंहासन सीता राम निहार सजनी, जिनके चरण कमल में बैठे पवन कुमार सजनी, जिनके चरण कमल में। हनुमान जी चरणों, अब बोलो कौन जा पाए राम जी के चरणों के पास? सब दूर से ही प्रणाम करें। अच्छा, वैसे भी देखो हनुमान जी परम कृपालु परम दयालु हैं, उनकी लीला विनोद की बात, वानराकार तो हैं, वानर रूप में,
और जिस चीज पर बंदर का कब्जा हो कौन पहुंच जाए। हनुमान जी हमेशा राम जी के चरण, सब दूर से ही प्रणाम करें। और फिर सबको लगा, भरत जी से कहा, शत्रुघ्न जी से कहा, लक्ष्मण जी से, कि हनुमान जी रोज बैठते भगवान के चरणों में, कभी तो हटे, और लोगों को भी तो मौका मिले, ये चरण छोड़ते ही नहीं, इनका भाव है ये चरण नहीं छोड़ते, लोगों को इनका भय है कोई पहुंच ही नहीं पाता, ये बड़ी कठिनाई है। भरत जी मुस्कुराए, बोले हम कह तो नहीं सकते कुछ। शत्रुघ्न जी बोले हम तो मौन ही रहते। लक्ष्मण जी बोले हाँ मामला गंभीर है, पर हम क्या कहें, राम जी से तो कहने की हिम्मत नहीं, फिर माता जी से कहो। सभी मिलकर माता जानकी जी के पास गए, आप आदेश पारित करो। क्या कल हनुमान जी दरबार में निभा रहे, हम लोग चरणों में, ठीक। जानकी माता समझ गई कि प्रभु हनुमान जी की महिमा बढ़ाना चाहते हैं। दूसरे दिन बाहरी सूचना लिखी हुई थी, हनुमान जी का प्रवेश निषेध, आज्ञा से जानकी माता। हनुमान जी बाहर ही बैठ गए। अब और सब दरबार में पूछते, राम जी ने कहा हनुमान जी कहां, श्री राघवेंद्र बोले हनुमान जी, अब कौन बोले, वो राम जी ने कहां है, तब लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अपराध क्षमा हो, हनुमान जी का प्रवेश निषेध किया है आज। किसने, जानकी माता बोली मेरी आज्ञा हुई, इन लोगों ने कहा कि एक दिन तो हनुमान जी को बाहर रखो। राम जी के नेत्र सजल हो गए। राम जी ने कहा कि जिनके कारण दीनों को प्रवेश मिलता है मेरे दरबार में, उन्हीं का प्रवेश निषेध कर दिया गया। हनुमान जी को अभी बुलाया जाए। जानकी माता बोली ठीक है आपकी आज्ञा है, लेकिन हनुमान जी चरणों से में बैठे रहते तो कोई पहुंच नहीं पाता आपके चरणों तक। भगवान ने कहा कैसी बात करते हो, जिनके कारण लोग मेरे चरणों तक पहुंचते हैं उन पर ये आरोप कि उनकी वजह से चरणों तक नहीं पहुंच पा रहे। ठीक है चरणों से दूर रहेंगे हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी के लिए कई सेवाएं, बुलाओ ने बुलाए गए। हनुमान जी की आंखों में आंसू, प्रभु माता जी ने बाहर किया था आपकी आज्ञा। भगवान ने कहा हनुमान तुम्हारे लिए सेवा है। क्या सेवा है प्रभु, कोई चमर लिए है, कोई विजन लिए है, कोई छत्र लिए है। भगवान बोले कि हमको चरणों में और लोग बैठ गए, भगवान ने कहा हमें जमाई आवे तो चुटकी बजाना। अब ऐसी सेवा तो भगवान ही खोज सकते हैं और हनुमान जी ही कर सकते हैं। जमाई आवे चुटकी बजाना, हनुमान जी ने कहा यह ठीक। अब जमाई कोई कहकर तो आती नहीं कि अब आने वाली हूं, वो तो देखना ही पड़ता है। अब हनुमान जी किधर देखे ही नहीं, सीधे भगवान के मुख की तरफ बराबर, और ऐसी उंगली तैयार कि जमाई आवे चुटकी बजाए। अच्छा एक और कठिनाई थी, अब मुख ऐसे तो रहेगा नहीं हमेशा, कभी राम जी इधर देखते कभी उधर देखते कभी ऐसे, और जब राम जी इधर उधर देखें तो हनुमान जी तो मुख ही देख रहे थे, और जैसे ही राम जी इधर देखते तो हनुमान जी छलांग लगा के उधर। अब वो तो राम जी का मुख देख रहे थे, उन्हें पता ही नहीं कि कौन बैठा है उधर, कभी इसके ऊपर गिरे कभी उसके ऊपर गिरे। दरबारी बोले इससे तो चरणों में ही अच्छे थे, मुसीबत कर दी, कोई निर्द्वंद होकर बैठे ही नहीं पा रहा, ये तो सिर पड़ गए भगवान के चरणों से हटाए तो सिर इसके सिर पे उसके। और एक नियम बन गया कि हनुमान जी चुटकी बजावे तो भगवान का मुंह बंद हो जाए, जमाई के लिए खुले हनुमान जी चुटकी बजा। दिन भर तो किसी तरह, जानकी माता से कहा कि बड़ी मुसीबत है, माता बोली अब जैसा किया है वैसा होगा, कल होगा परिवर्तन, आज तो। हनुमान जी दिन भर चुटकी बजाते रहे। अब दरबार का समय समाप्त हुआ, भगवान भवन की ओर चलने लगे, सब अपने अपने, हनुमान जी पीछे पीछे। जानकी माता बोली तुम कहां जा रहे,
बोले माता जमाई दरबार में ही आई, ये जरूरी थोड़े ही, और सेवा ऐसी है यहां भगवान हम तो वहीं रहेंगे। जानकी माता हंसी, राम जी ने कहा कि भाई अब सेवा है। सीता मैया बोली चलो सवेरे आना जाओ, अब आज्ञा है माता की तो लौट नहीं है। लेकिन फिर सोचने लगे कि भगवान को जमाई आई रात्रि में तो हम क्या, तो भवन की छत पे बैठ गए और एक निश्चय किया रात भर चुटकी बजाओ, जब आएगी जमाई तब आती रहे। हनुमान जी ने चुटकी बजानी शुरू की, जय सियाराम जय सियाराम, रात भर चुटकी। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, तो जागने के बाद भगवान ने जमाई ली। ले अंगड़ाई सहज शिव सर्वस आलस बस जमुहात, आलस बस जमुहात जागे जान की नाथ, कृपा दे जागे जान की नाथ। जागे जानकी नाथ, जागे जानकी 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 दयानिधि, जागे जानकी नाथ श्री जानकी नाथ श्री जानकी नाथ। भगवान जगे और जागते ही जमाई ली। तो नियम यह था कि हनुमान जी चुटकी बजावे और चुटकी बंद हो तो मुंह बंद हो, पर वहां तो चुटकी बज ही रही थी, भगवान का मुख खुला ही रह गया बंद ही ना हो। अब जानकी माता घबराई कि ये क्या हो, अब राम जी कुछ बोल पावे तो बताएं, अब मुंह खुला तो बोले कैसे। सब जगह खबर गई, भरत जी लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी क्या हुआ, अब करें क्या, किसी को कुछ समझ ना आए तब गुरु जी बुलाएगी। गुरुदेव आए, जो राम जी की ये दशा देखी, भगवान का तो मुख ही खुला, क्या हुआ क्या हुआ, गुरु जी आप ही बताओ, ये तो बड़ा संकट है। और जो संकट कहा तो वशिष्ठ जी को याद आ गई, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम के, वशिष्ठ जी बोले और तो सब दिख रहे हैं पर हनुमान जी कहां हैं, उन्हें बुलाओ। खोजवाया गया, हनुमान जी पूरी नगरी में तो छत पे बैठे थे, अब हुआ कौन देखने जाए, थक के कहां गए हनुमान जी कहीं नहीं मिल रहे, भवन के कोने से पूंछ लटकती दिखाई दी। तब तक धुन पड़ी कानों में, जय सिया राम जय जय सिया राम, सभी आनंदित हो गए। हनुमान जी से प्रार्थना की, नीचे उतर, हनुमान जी चुटकी बजाते आए, भगवान संकट में है, गए और जो प्रभु का मुख देखा, चुटकी बंद मुंह बंद, सभी आनंदित हुए। वशिष्ठ जी ने कहा कि धन्य हो हनुमान, आज हम समझ गए क्या का एक दुर्गम कार्य और सुगम हुआ। भगवान को बस में करना असंभव, क्योंकि सारा संसार भगवान के बस में है, लेकिन धन्य हो हनुमान तुमको तो भगवान को बस में करना, भगवान को बस में करना तुम्हारे लिए चुटकी का काम है, चुटकी में ही बस में कर लिया। तभी तुलसीदास जी ने लिखा, सुमिर पवन सुत पावन नाम,
सुमिरि पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे राम। अपने बस करी राखे राम, राम जी को बस में कर लिया। अच्छा कैसे जाने के राम जी हनुमान जी के बस में, क्योंकि जो जिसके बस में होता है वही बसता है। भगवान कहां बसते हैं, जास हृदय आगार बस ही राम। धनुष बाण भी धारण करने की जरूरत नहीं, और धारण किए रहे तो वह शोभा है। बस ही राम सर चाप धर निश्चिंत है, क्योंकि राम द्वारे तुम रखवा दे, राम द्वारे। ज्ञा बिनु पैसा दे द्वारे, राम द्वारे तुम, राम द्वारे तुम, राम द्वारे। राम जी के द्वार पर हनुमान जी रखवाले हैं, उनकी आज्ञा के बिना श्री राम जी के भवन में किसी का भी प्रवेश संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग इस कथा के माध्यम से एक ही कार्य कर रहे हैं कि घर द्वार से यहां आए हैं और राम जी के द्वार से जुड़कर यहां से जा रहे हैं, और राम जी के द्वार से जुड़ने का एक ही उपाय, आज तक जो अपना घर द्वार था वो राम जी का है और ऐसा भाव मन में आ गया तो निश्चिंत निर्द्वंद रहना, हनुमान जी रखवाले रहेंगे। यह संकेत श्री हनुमान चालीसा का है, राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन करते हुए चर्चा को विराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जो, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपी भगत लहे विश्राम।